Namaste, I am Vandana. Welcome to my channel, Vandana Dubey Home Cooked Food. Friends, today I like to teach you the taro root vegetable. That one in Hindi we call arvi. This is a very yummy and this is family of the potato vegetable. आज मैं अरबी की सब्जी बता रही हूँ कैसे बनती है और वो भी ग्रेवी वाली. तो चलिए हम बनाते हैं अरबी की सब्जी. So first I chop the onion. पहले हम प्याज काटेंगे. इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा डालते हैं और प्याज हम इसमें बहुत बारीक काट कर डालते हैं. आज मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको ये बता रही हूँ कि प्याज हम कैसे काटें. बहुत से लोगों को आता भी होगा लेकिन जिनको नहीं आता है वो देख सकता है कि कैसे काटती हूँ. मैं भी उतना मतलब नहीं काट पाती हूँ एक्सपर्ट की तरह, बट कोशिश करती हूँ. तो मैंने ये चार बड़े प्याज काट लिए हैं, थोड़ा सा और बचा है वो भी काट लेती हूँ. आई यूज़ फोर बिग अनियन एंड वी चॉप इन स्मॉल पीसेस. टुडे आई लाइक टू शो यू हाउ टू चॉप द स्मॉल पीसेस एंड आई एम अ नॉट प्रोफेशनल पर्सन बट आई ट्राई टू माई बेस्ट. आई होप यू लाइक माई हाउ आई कट द अनियन. तो मैं कोशिश कर रही हूँ, सबको अच्छा लगेगा ये वाला पार्ट मेरा कुकिंग का. अब हम अरबी बताते हैं, अरबी कैसे छीलना है. सो दिस इज़ द टर रूट एंड फर्स्ट वी पील इट एंड चॉप इट. तो हम इसको पहले छील लेंगे. हम उबाल के भी बनाते हैं बट आज हम वो वाला तरीका नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा तरीका आजमा रहे हैं. तो देखिए आपको पसंद भी आएगा, ये बहुत अच्छी बनती है. सो फर्स्ट आई पील इट एंड मेक राउंड शेप. सो आई चॉप इट वेरी थिन लाइक दिस, नॉट वेरी थिक. तो पतले पीस काट लिए मैंने और इसको अच्छे से धो लिया है. सो आई वॉश टू थ्री टाइम्स. आई यूज़ द वॉक, हीट द वॉक, एड द ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. नाउ आई एड द ऑयल. तो मैंने ये सरसों का तेल लिया है और मैं तीन बड़े चमचे डाल रही हूँ. आई यूज़ द थ्री टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल. यूज़ एनी अदर ऑयल बट आई यूज़ द मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी हेल्दी ऑयल. आफ्टर दैट आई सेल्फ फ्राई द टर रूट. हम अपनी अरवी को थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे लेकिन हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं निकालना है इसको, थोड़े से ही तेल में हमें इसे सेकना है. इसको अच्छे से मिला देंगे कि सारी अरवी हमारी सिक जाए. सो वी जस्ट मिक्स लाइक दैट एंड वी फ्राई सेलो फ्राई. एंड व्हाट आई डू नाउ, आई ऐड द सॉल्ट. सो लिटिल सॉल्ट आई एडेड, जस्ट लाइक हाफ टी स्पून. मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर ही नमक डाल रही हूँ और नमक से जल्दी से पक जाता है तो इसीलिए मैं इसमें डाल दी हूँ. ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली सब्जी है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और आशा करती हूँ कि जब आप बनाएंगे तो आप सबको भी बहुत पसंद आएगी. तो मैंने इसमें डाल दिया था नमक. अब ये देखिए अरबी सीख कर तैयार है. सो नाउ द टर रूट इज़ सेलो फ्राई, द गोल्डन कलर इज़ कम एंड ऑल्सो दिस इज़ सॉफ्ट. तो ये हमारा अरवी सीख गया है और इसको क्या है, हमने देख लिया है कि ये सॉफ्ट हुई है कि नहीं. दो तीन अरवियों को हमने अच्छे से चेक कर लिया और ये सारी अरवियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं. हम इसको अब बाहर निकालेंगे और फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे. सो नाउ आई जस्ट टेक आउट फ्रॉम द ऑयल एंड सेम वर्क आई यूज फॉर द मेक द ग्रेवी. तो हम उसी कढ़ाई में ग्रेवी अपनी तैयार करेंगे क्योंकि इसमें जो तेल बच रहा है हम उसी तेल को इस्तेमाल करेंगे. द लेफ्ट ऑयल वी यूज टू मेक द करी. ये बहुत ही अच्छी सब्जी है, प्लीज़ बनाइए. और हमें हमेशा नहीं मिलती है अरवी, कभी कभार ही मिलती है. मेरे तो बच्चों को इतनी पसंद आती है और मुझे भी बहुत, मेरे हस्बैंड को, सबको. सो द ऑयल ऑलरेडी इज़ हॉट. आई एड द क्यूमिन, दिस इज़ द कैरम सीड. तो हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं. वन टी स्पून कैरम सीड आई एड इट एंड नाउ आई एड द एसाफोटिडा, द 4 to 5 pinch. एक चम्मच इसमें अजवाइन डाल दी है. अब मैंने इसमें 4-5 pinch हींग डाल दी है. हींग तो बहुत अच्छी होती है तो हींग तो ज़रूर डालना चाहिए. एंड दिस इज़ द आनियन, 4
4 cups onion I use, the small chop onion. Also you use the paste. Who don't like to chop the small pieces, then they use the paste also, onion paste. The golden brown color is come, that is a very important part for this recipe, and this is the ginger garlic chili paste. And when the golden brown color is coming, we add the spices. The very nice flavor is come when onion turn to brown. Some recipe not good flavor, but this recipe very nice flavor is come when onion turn to brown. This is the spices I add now. तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे और ये मसाले आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची और धनिया 2 चम्मच. सो आई यूज़ द हाफ टी स्पून चिली, हाफ टी स्पून टर्मरिक एंड 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. मसाले डाल के हम मिक्स कर देंगे अच्छे से. अब हम इसमें नमक डालेंगे एंड दिस इज़ द सॉल्ट 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है. इसको आप प्याज को थोड़ा, जब भी आप बनाएं ये सब्जी, अच्छा सा खैरा प्याज सेकें इसमें. गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए प्याज में. नाउ आई ऐड द वाटर, 1 कप वाटर, मिक्स इट ऑल स्पाइसेस. तो हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, जो चाय का कप होता है उसके हिसाब से मैंने 1 कप पानी डाला है. अब मैं इसमें दही डालूंगी. नाउ आई ऐड द कर्ड योगर्ट, 2 चम्मच हम दही डालेंगे. 2 टीस्पून योगर्ट आई एडेड एंड मिक्स इट. हु डोंट प्रेफर द योगर्ट, प्लीज़ यू डोंट ऐड द योगर्ट एंड ऐड द मैंगो पाउडर, इंस्टेंट द योगर्ट एंड मैंगो पाउडर नॉट दैट टाइम, एट द एंड. तो हम जब अमचूर डालेंगे तो हम एंड में डालेंगे, अगर आप दही नहीं चाहते हैं डालना. तो ये देखिए ये ग्रेवी तैयार है. अब हम इसमें पानी डालेंगे. Now I add the water, 4 cups water I added, the tea cups. तो हम इसमें 4 हमारे जो चाय के कप होते हैं उसके बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले और पानी को. अब हम इसमें अरवी डालेंगे जो हमने फ्राई की थी. सो नाउ आई ऐड द सैलो फ्राई टरा रूट. तो हम इसमें अरवी डाल देंगे. अरवी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि हमारी अरवी तो पहले से ही पकी हुई है, अब हमें पानी ही पकाना है उसका. तो हम इसको ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट. सो वी कुक जस्ट 5 to 10 मिनट दिस रेसिपी एंड देन डन. तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं. नाउ दिस इज़ रेडी. तो अब हमारी अरवी तैयार है बनके, और देखिए कितनी अच्छी, एकदम ग्रेवी जैसी होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही बनी है. एंड दिस इज़ द रेडी. एंड नाउ आई ऐड द सम मोर स्पाइसेस. दिस इज़ द गरम मसाला एंड मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला एंड 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर. 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच मैंने अमचूर लिया है. एंड दिस इज़ द फेन्यूग्रीक लीव्स, ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स, कसूरी मेथी. तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल दी है. बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. अब ये तैयार है. द टरा रूट वेजिटेबल इज रेडी. आई होप एवरीवन लाइक दिस रेसिपी, माय वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये अरबी का तरीका जो बनाने का है वो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.